नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आपका अपने चैनल एसएफ टेक्नोसिस्टम में स्वागत करता हूँ। ये एंगुलर जेएस का फिफ्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं और कैसे जावास्क्रिप्ट फाइल में उसको कॉल करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोलर को देखेंगे, कैसे मॉड्यूल के अंदर हम कंट्रोलर बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट फाइल में कैसे उसको यूज कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक मैंने डिफ टैग बनाया, ठीक है, और कंट्रोलर डायरेक्टिव का यूज कर किया और इस डायरेक्टिव इसका नाम दिया मैंने फर्स्ट कॉन। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा कंट्रोलर बन गया। इस कंट्रोलर को कॉल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, क्योंकि ये कंट्रोलर हमारा माई ऐप मॉड्यूल के अंदर है, जो कि हमने एक वेरिएबल बनाया माई ऐप, जिसमें मॉड्यूल को कॉल किया गया है। इस वेरिएबल की हेल्प से हम इस कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माई ऐप डॉट कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के अंदर हम दो पैरामीटर अभी पास करेंगे, पहला कंट्रोलर का नाम और दूसरा मेथड यानी कि फंक्शन। यहाँ पे मैंने नाम दिया फर्स्ट कॉन और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया डॉलर स्कोप। स्कोप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की तरीके से ही काम करता है। यहाँ पे मैंने एक अलर्ट मैसेज प्रिंट करा लिया, इसका हेलो एंगुलर मैसेज दे दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे ये पेज को मैं जब रन करूँगा तो कैसे कंट्रोलर कॉल करता है और कैसे हमारा मैसेज जो अलर्ट टैग में लिखा है वो प्रिंट होगा। मैंने राइट क्लिक किया, ओपन ब्राउज़र किया और आप यहाँ पे देखिए ये पेज ओपन हो रहा है और हमको जो हमारा अलर्ट बॉक्स है वो मिल जाएगा, ये हेलो एंगुलर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कैसे हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और कैसे मॉड्यूल के अंदर हम कंट्रोलर को लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट फाइल में इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।